शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कौन 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 कौन? डरो मत मेरे बच्चों, मैं हूँ। ये देखो, तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। ये लो गली। ये लो गली। हमको सच में नहीं पता बिल्लू कहाँ है। मुझे पता है मेरे बच्चों, तुम लोग झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम लोग तो सच्चे बच्चे हो। सुबह से कुछ खाया नहीं तुम लोगों ने। ये लो। तुम सब आपस में बांट लो, लो खाओ। पता नहीं बिल्लू ने खाया होगा या नहीं। तुम लोग बिल्लू की चिंता मत करो, वो बहुत ही बहादुर और समझदार है। वो जहां भी होगा अच्छा होगा, हर मुश्किल से लड़ सकता है, वो ब्रेव है। खाओ, चलो चलो शुरू करो, तुम लोग खाओ। हे ईश्वर, उस मासूम की रक्षा करना। जमाल। जी जनाब। मिशन की खबर उन काफिरों को लग गई है। इन बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जनाब, और फिर हमें तो इन्हीं के चराग से इनका घर जलाना है। आप बेफिक्र रहें, मिशन अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा, बस आप लोगों की सरपरस्ती बनी रहे। वो हमेशा बनी रहेगी। हम जल्दी अपने जहादियों के साथ खुफिया कैंप की ओर कूच करेंगे, बाकी बातें वहीं से होंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, हम लोग ये होटल छोड़ के जा रहे हैं। तो आप मिशन के बारे में बोल रहे थे, वो क्या है? वो मिशन है तुम्हें इंसाफ दिलाना, तुम्हारे दोस्तों को इंसाफ दिलाना, उन्हें अच्छी जिंदगी देना। थैंक यू भाई जान। अरे बिल्लू कहाँ गायब हो गया? बिल्लू ना हुआ, मिस्टर इंडिया हो गया। लो लो आ गए। अब ये इनका प्रवचन सुनो, है प्रवचन सुनो इनका, डोज पे डोज देंगे। निकल रहे कहाँ है? अरे ये तो कोई अनजान नंबर है शांता। कौन कौन अलग अलग नंबर से फोन करता रहता है? अब उठा भी लो ना, जो है वो बात तो करेगा ही। उठा रहे रे, उठा रहे। हेलो। बहुत परेशान हो बनवारीलाल। अरे भाई परेशान तो है, इसमें कहने की क्या बात है। बनवारी, एक लड़के ने तुम्हारी नींद उड़ा दी है। कौन बोल रहा है? समझ लो तुम्हारे हर मर्ज की दवा बोल रहे हैं। अरे भाई मजाक क्यों कर रहे हो, ऐसे ही मन बहुत फ्रस्ट्रेटिया गया है। बताओ कौन बोल रहा है? तो सुनो, बिल्लू हमारे पास है। बिल्लू तुम्हारे पास है? हाँ बिल्लू, और हमारे पास से वो कहीं भी जा सकता है। अरे नहीं 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 नहीं, और जो हमको बताया है वो किसी और को भी बता सकता है। अरे नहीं नहीं भाई, तुम जो भी बोल रहे हो, बिल्लू को कहीं मत जाने देना, सीधे हमारे पास लेके आओ। भाई
तुम बिल्लू के बदले जो भी मांगोगे हम तुमको देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी एक शर्त है। शर्त है? क्या शर्त है बताओ बताओ, तैयार हूँ मैं, तैयार हूँ। क्या चाहिए तुमको बोलो। सिर्फ सुनना नहीं है, उसे पूरा भी करना है। हाँ करेंगे, बोलो ना बोलो। ठीक है, कल शाम को हम फोन करके बता देंगे कि कब और कहाँ मिलना है। अरे भाई कल शाम को क्यों, आज क्यों नहीं? काट दिया। आप ही हैं जो हमको फोन किए थे? हाँ मैंने ही किया था। हमारा बचवा बिल्लू कहाँ है? बड़े बेचैन हो बनवारी। अरे सो रहा है। ऐसे मैंने इसे नींद का इंजेक्शन दिया है, 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। अच्छा आपने तो हमारा काम कर दिया। आप जो भी बोलिएगा बदले में हम कर देंगे। जो भी नहीं बनवा रही, सौदा कहो। मुझे कुछ बच्चों की जरूरत है, तुम मुझे बच्चे दो, उनके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा रिस्की काम है, ये हम नहीं कर सकते भाई। कुछ और बोलो। बनवा रहे इस काम के बदले मैं तुम्हें मांगी रकम दूंगा। ये तो सिर्फ पेशगी है, मेरा काम करते जाओ, ऐसे ऐसे बहुत बैग दूंगा तुम्हें। आपको सौदा मंजूर है? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बिल्लू बेटा, बिल्लू बेटा, आजा, 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 उठ, उठ, संभाल के, उठ, हाँ, आजा, आजा बेटा, हाँ, आजा, आजा, आजा। चल, चल, बड़ा अपने आप को उस्ताद समझ रहा है, चल, चल, ये, फिर तुम सब कान खोलकर सुन लो। बिल्लू ने इस संस्था का कानून और नियम दोनों तोड़ा है, इसलिए बिल्लू को सजा मिलेगी। और वो सजा है कि आज से अनाथ आश्रम का हर काम बिल्लू करेगा। कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, फूलों की क्यारियों में पानी डालना, और अगर किसी ने तरस खाकर बिल्लू की मदद की तो उसकी खैर नहीं। वासु, इन सब पर नजर रखो, और अगर किसी को तरस आ गया या किसी का दिल पिघल गया तो फौरन मुझे खबर करो, उसकी खबर मैं लूंगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझे सर। समझे कि नहीं? मायूस मत हो सलोनी, चलो। भगवान, भगवान हमें तो बिल्लू की मदद करने से रोका गया, पर आपको कौन रोक सकता है? आप तो बिल्लू की मदद कर सकते हो ना?
मिस्टर अजय, एवरीथिंग इज नॉर्मल, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वो ले लीजिए, शायद उससे कुछ फर्क पड़ जाए। डॉक्टर साहब, प्रियांश के जाने के बाद से निकिता एकदम चुपचाप, शांत, जिंदा लाश जैसी हो गई है। उस हादसे की वजह से उनके ब्रेन के इस पार्ट पर काफी इफेक्ट हुआ है, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं, जो हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है। अगर सिंपली कहा जाए तो ये एक सदमा है जिसमें मेडिसिन का कोई असर नहीं होता। फिर भी डॉक्टर साहब, कुछ तो कोई तो उपाय होगा इसका। आप एक काम क्यों नहीं करते, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए, शायद बच्चे के आने की वजह से उनका बिहेवियर नॉर्मल हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी करके देखता हूँ। मुझे मेरी पहले वाली निकिता वापस चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। गुड, मैं वीकली एक संस्था में जाता हूँ जो अनाथ बच्चों के लिए काम करती है, मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगा, कल आप अपनी वाइफ के साथ वहाँ चले जाइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वेलकम। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू। जेंटलमैन, ये वो दो आतंकी है जिन्हें हमारे बीच में से तैयार किया गया है। ये घुसपैठिया नहीं है, ये हमारे ही देश के भटके हुए नौजवान हैं, जो ट्रेनिंग लेके हमारे ही देश में तबाही मचाने निकल पड़े हैं। ये कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी हमें कोई खबर नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस के मुताबिक ये किसी बहुत खतरनाक मिशन को अंजाम देने निकले हुए हैं। आप सभी को चौकन्ना रहना होगा, किसी भी संदिग्ध आदमी या संदिग्ध वस्तु को हल्के में ना लें। थैंक यू जेंटलमैन, एनी क्वेश्चंस? नो सर। याद रहे, आप लोगों की मुस्तैदी ही सबकी सुरक्षा है। थैंक यू। थैंक यू सर। जल्दी करो, इससे पहले कि बच्चों को होश आ जाए हमें ठिकाने तक पहुंचना है। जी भाई। जी जनाब। जी हम अपने ठिकाने के करीब ही हैं। जी अभी तक तो सब बेहतर ही है जनाब, और आगे भी बेहतर ही होगा। जी अल्लाह का करम रहा तो जल्दी ही हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। जी जी शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया जनाब। ओवर एंड आउट।
आई आई इंस्पेक्टर साहब। आपको कब पता चला कि बच्चे भाग गए? सुबह सुबह, खाली ने मुझे बताया। तुम्हें कब पता चला? सुबह सुबह जब मैं सो के उठा तो देखा कि मेन गेट खुला हुआ है, फिर मैं सर को बताया। तब जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि चार बच्चे गायब हैं। उन बच्चों का किसी से झगड़ा? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, झगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता, हमारे सारे बच्चों में बहुत प्यार है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, सोनू और सुधू कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी जानता हूँ, लेकिन चुप रहने में ही भलाई है, हमारी सुनेगा कौन। बड़े प्रेम से रहते हैं बच्चे। मुझे बच्चों से पूछताछ करनी है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ठीक है। चलो बिल्लू इधर आ, बैठ, ये ले इसे तू पी ले। अरे ये तो आपका है ना, मैं कैसे पी सकता हूँ? तू पी सकता है, मैं दे रहा हूँ ना इसलिए तू पी सकता है, ले। अच्छा ठीक है, हम दोनों आधा आधा पीते हैं। तू भी बहुत शैतान है रे। ठीक है ले अब पी। पीपी। अच्छा बिल्लू एक बात बता, ये बच्चे कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं, पर मुझे पता है बिल्लू, ये बच्चे कहीं गए नहीं हैं, बल्कि इन्हें भेजा गया है। पर ये आप कैसे कह सकते हैं? वो ऐसे कि ये जो बनवारी है ना, दुष्टता की महामारी है, शैतान खोपड़ी कहिए, जरूर इसी ने कुछ न कुछ गोलमाल किया होगा। खैर तू छोड़, तू ये दूध खत्म कर और जा, जाके सो जा। अरे क्या धमाल चौकड़ी मचा के रखे हुए हो, हैं? जाके नहाओ धोआओ, तैयार हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और सब के सब हॉल में इकट्ठे हो। क्या हुआ सर, फिर से कोई मुर्गा फंसा क्या? इधर आ, इधर आ। जी। जितना बड़ा देह नहीं है उससे बड़ा दिमाग है, हैं? फिर कोई मुर्गा फंसा क्या? कलेक्टर साहब आ रहे हैं कल। कलेक्टर साहब अपने अनाथालय से एक बच्चा गोद ले रहे हैं। अच्छा बिल्लू कहाँ है? बिल्लू? हाँ यही कहीं काम कर रहा होगा, अभी बुलाता हूँ। खड़े रह, यहाँ खड़े रह, अभी बुला के लाता हूँ, पूरी बात सुन लिया कर। बिल्लू कलेक्टर साहब के सामने नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए? हाँ। क्यों सर? क्यों सर? अगर कलेक्टर साहब के सामने आ गया ना तो दोबारा क्यों सर पूछने के काबिल नहीं रहेगा, समझा? चल चल जा। चलो चलो चलो, सबके सब नहा धो के तैयार हो जाओ, चलो।